नमस्कार दोस्तों, कितना सारे आई होप सारे बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेटा 2020 के बारे में, जो कि पेट्रोल और डीजल BS6 इंजन के साथ आ चुकी है। और इसी के साथ ही अगर हम वेरिएंट्स की बात करें तो वेरिएंट्स हमें इसमें मिलते हैं EX, S, SX और SX ऑप्शनल। और आज हम बात करने वाले हैं ई और EX वेरिएंट के बारे में, जो कि बेस मॉडल है क्रेटा के। बेस और बेस से ऊपर एक EX वेरिएंट है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेन जो कस्टमर्स होते हैं वो हमेशा जो स्टार्टिंग के वेरिएंट्स होते हैं, जब कोई भी गाड़ी लॉन्च होती है तो एक कस्टमर सोचता है कि यार मेरे को कम पैसों में एक अच्छी गाड़ी चलाने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से क्रेटा में भी ऐसे कुछ वेरिएंट्स हैं जिनकी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। दो ऐसे वेरिएंट हैं जिनमें आप अच्छे खासे पैसे बचा सकते हो, अगर मेरी आप सजेशन अगर लेते हो आप पॉजिटिव तरीके से। क्योंकि जो EX वेरिएंट में जो फीचर्स मिल रहे हैं जितने पैसे खर्च करके, वही आपको अगर ई वेरिएंट में मिल जाए 40 से 50 हज़ार रुपये में, तो आपके 1 लाख रुपए तक आप बचा सकते हो ई वेरिएंट को परचेज करके, जो कि डीजल वेरिएंट में है। साथ ही अगर हम बात करें प्राइस की इन दोनों वेरिएंट्स के, तो इसमें ई वेरिएंट का जो प्राइस है वो है 9,99,000, जो कि एक्स शोरूम प्राइस है, जो कि डीजल इंजन में आता है सिर्फ और सिर्फ। और वहीं अगर हम EX वेरिएंट की बात करें तो 11,49,000 रुपये का एक्स शोरूम प्राइस है, जो कि डीजल इंजन में आता है। और EX वेरिएंट में ही पेट्रोल वेरिएंट की स्टार्टिंग हो जाती है, जो कि 1.5 लीटर का आता है, जिसका प्राइस है 9,99,000। बट आज हम पेट्रोल इंजन की बात नहीं करेंगे इस पूरे कंपैरिजन में, क्योंकि जो बेस वेरिएंट है उसमें हमें डीजल इंजन मिल रहा है, तो डीजल टू डीजल का हम कंपैरिजन करेंगे। और इसमें जो प्राइस डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है वो आ रहा है 1.5 लाख रुपये का। जो ई और EX के बीच में जो प्राइस डिफरेंस है वो 1.5 लाख रुपये का, मतलब कि ऐसा क्या भाई दे रखा है तुमने EX वेरिएंट में इतना कुछ, जो कि तुम 1.5 लाख रुपए ले रहे हो आम कस्टमर से। बिकॉज यार एक कस्टमर भी समझदार है आज के टाइम पे, अगर वो भी कोई गाड़ी परचेज करता है तो वो भी मार्केट में पूरी सर्च करता है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन लेता है, उसके पास जाके खरीदता है। तो किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। और दोस्तों, 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा दे के जो हमें EX वेरिएंट में जो फीचर्स मिल रहे हैं उसकी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम उन फीचर्स की बात करेंगे जो कि ई और EX वेरिएंट दोनों में कॉमन मिल रहे हैं, जो कि इन दोनों वेरिएंट्स में मिलने ही मिलने। तो चलिए एक एक करके उन फीचर्स की बात करते हैं। सो सबसे पहले फीचर की हम बात करते हैं, सेंटर लॉकिंग सिस्टम, सिल्वर फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट, LED हेडलैम्प्स, बॉडी कलर्ड ORVMs, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स, डुअल टोन बम्पर, LED टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVMs, डी कट स्टेयरिंग प्लस टिल्ट स्टेयरिंग, फॉलो मी होम हेडलैम्प, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस, इलेक्ट्रिकल टेलगेट रिलीज, रियर AC वेंट्स, फ्रंट 12 वोल्ट पावर आउटलेट, पावर विंडो सिस्टम, फूड ग्लोव बॉक्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ब्लैक एंड बेज इंटीरियर एंड मैनुअल AC। और इसी के साथ ही अगर हम स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात करें, जो कि ई और EX वेरिएंट में हमें मिलने ही मिलने हैं, चाहे वो ई वेरिएंट बेस वेरिएंट हो चाहे वो EX वेरिएंट उससे अगला मॉडल हो, तो सेफ्टी फीचर्स के नाम पे हमें सबसे पहली चीज़ जो मिलती है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रेयर पार्किंग सेंसर्स, डे नाइट IRVM, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर्स विद लोड लिमिटर, ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर, एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, स्पीड अलर्ट सिस्टम, इमोबिलाइजर एंड लो लाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स हमें इसमें मिल जाते हैं। सो दोस्तों, अब बात आती है उन ऐसे फीचर्स की जो कि ई वेरिएंट में हमें नहीं मिल रहे, और एक्स्ट्रा फीचर्स जो EX वेरिएंट में मिल रहे हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला जो फीचर जो हमें मिल रहा है 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके, वो है शार्क फिन एंटीना, फ्रंट USB चार्जर, सनग्लास होल्डर, 8-inch ब्लूटूथ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड 4 स्पीकर्स विद 2 ट्वीटर्स। तो दोस्तों, ये कुछ फीचर्स हैं जो कि 1.5 लाख रुपए कंपनी को दे के और कंपनी हमें बदले में ये गाड़ी में फीचर्स दे रही है। क्या आपको लगता है कि ये फीचर बिल्कुल जायज़ हैं, और क्या पैसे जो इन्होंने इतना प्राइस डिफरेंस 1.5 लाख का किया है, क्या है ये भी बिल्कुल जायज़ है? अगर मैं अपनी सलाह दूं तो ये बिल्कुल गलत है। हुंडई ने यहाँ पे थोड़ी सी गलती करी है। और अब बात आती है, क्या हमें ई वेरिएंट में, ये जो EX वेरिएंट्स में आपने जितने फीचर्स देखे हैं, जो मेन फीचर्स हैं 8-inch का टच स्क्रीन सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और 4 स्पीकर्स, क्या ये हमें ई वेरिएंट में अगर आफ्टर मार्केट लेते हैं तो कितने के पड़ेंगे और हमारे कितने पैसे बच सकते हैं? तो अब मैं बात करने वाला हूँ डायरेक्टली अपने एक्सपर्ट से, जो मेरे भैया हैं जो
जिनकी एसेसरीज़ की शॉप है, जो कि चाइना से इंपोर्ट भी करवाते हैं और दिल्ली से भी सामान उनका लेके आना जाना ये चलता रहता है। तो उनसे अब बात करते हैं सबसे पहले डायरेक्टली और इनसे प्राइस पूछते हैं कि क्या हमें ये आफ्टर मार्केट ये सब कुछ अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, क्या लॉकडाउन के बाद भी ये चीज़ अवेलेबल होगी या नहीं, और प्राइस क्या इसका रहेगा जो कंपनी हमें इतने महंगे अमाउंट में जो प्रोवाइड करा रही है, तो क्या आफ्टर मार्केट कितने में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया दोस्तों, मेरे हुलिये पे मत जाना, बिकॉज लॉकडाउन डेज चल रहे हैं तो यार हुलिया इसी तरीके का रहता है, बिकॉज हम आलसी, हम सोचते हैं यार बाहर तो जाना नहीं है, तो ऐसे चिल मारते हैं घर पे बैठे बैठे। ठीक है, तो चलिए हम मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं। तो उनसे भी कॉल पे बात करेंगे कि ये जो सारे के सारे फीचर्स है, अगर हम आफ्टर मार्केट लगवाते हैं तो क्या प्राइस पड़ेगा, उनसे कॉल करके पूछते हैं कि क्या प्राइस पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों। हेलो, क्या हाल चाल है सदा भाई? बहुत अच्छे हैं। और सुनाओ, ठीक ठाक चल रहा है सहारनपुर में सब? पाजी, जो अपना बेस मॉडल जो आता है ना क्रेटा का, उसमें जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है 8 इंची का, वो अपना कितने का मिल जाएगा जी अपने पास से? जो अभी लेटेस्ट क्रेटा ही है। हाँ, लेटेस्ट क्रेटा ही है, बेस नवी वाली क्रेटा का, एक तो अभी तक हमने देखी नहीं। अच्छा जी। हाँ, दूसरी चाइना चीना चीज मंगाए तो पता नहीं उसका सामान अभी मार्केट में आया या नहीं आया। अच्छा ठीक है जी, लेकिन आ जाएगा ये कन्फर्म है। ठीक है, आ जाएगा। तो आप एक बार क्या कहते हैं आइडिया मेरे को बता दोगे रेट का, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा? 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है और जो ऊपर स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल्स लगे होते हैं एक, उसका रेट और 4 स्पीकर बढ़िया वाले या कंपोनेंट का प्राइस बता दो, इन 3 चीज़ों का प्राइस बता दो मेन मुझे। 15,000 का स्टीरियो होना चाहिए। ठीक है, टच स्क्रीन वाले जिसमें एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले और ब्लूटूथ सारा कुछ होगा। हाँ बिल्कुल वही 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 बिल्कुल वही। और जो बटन आते हैं स्टेरिंग बटन जी, जो ऊपर स्टेरिंग माउंटेड बटन होते हैं, वो कितने के मिल जाएंगे आइडिया? पुरानी का बता दो, कोई बात नहीं, रेट वो थोड़ा सा ज्यादा लगा लेंगे। 1600 रुपए। तो उसके 2500 मान के चले ज्यादा से ज्यादा, 2500-3000। इतने लगा ले 2500-3000 के स्टेरिंग माउंटेड बटन हो गए। और अगर 4 कंपोनेंट लगाने हो या स्पीकर बढ़िया से बढ़िया? 4 कंपोनेंट तो JBL के लगा ले। अच्छा, JBL के 4 कंपोनेंट, तो कितने के पड़ जाएंगे वो? JBL का पड़ेगा कम से कम एक सेट है 4500 रुपए का। अच्छा, एक सेट है मतलब 4500 प्लस 2500 अपना 9000 हो गया। हाँ जी 9000। हाँ, स्टेरिंग माउंटेड बटन आप कह रहे हो 2500 से 3000 की रेंज का वो होगा, और 15000 का अपना इन्फोटेनमेंट सिस्टम होगा। समझ गया मैं आपकी बात, समझ गया। ठीक है। सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आप भी ई वेरियंट को परचेज करके अपने 1,00,000 रुपए तक बचा सकते हो, और ई एक्स वेरियंट्स में जितने फीचर्स हैं वो अपनी गाड़ी में आफ्टर मार्केट डलवा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो खर्चा आएगा सिर्फ 40, और अगर बिल्कुल ही आप मोटा मोटा खर्चा करना चाहते हो तो 50,000 तक का आपका मैक्सिमम खर्चा आएगा इन तीनों चीज़ों का। तो आप अपने पैसे बचा सकते हो, क्योंकि जो पूंजी है वो हर एक की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अब लॉकडाउन पीरियड वैसे ही चल रहा है तो एक एक पैसा पाई पाई बहुत ज़रूरी है हर एक पर्सन के लिए। सो मेरी राय आई होप की बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने खरीदना है डीजल वेरिएंट तो भाई मेरे ई वेरिएंट को ही परचेज करना और किसी वेरिएंट की तरफ ना जाना अगर आप पैसों को बचाना चाहते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।